अज़बल रजीम रहीम तुझी से इब्तदा हर चीज़ की है मुब्तिदा तो है अज़ल से दाअबद बे इब्ता और इतहा तो है खुशा आमदीद अज़ीज़ तलबा व नाजरीन मैं मिनज बेगम माविन मौलमा सरकारी उर्दू हाई स्कूल हली खेड़वी बच्चों आज हम हम जमात से ज़बान अवल उर्दू दरसी किताब बहार अदब से एक मजमून पढ़ेंगे मजमून पढ़ने से पहले हम इसका जानते हैं आइए हम हमवान इस नवान को जानने के लिए एक खेल खेलेंगे जिसको हम पज़ल कहते हैं बच्चों अब ये आपके सामने पहेलियां हैं जो आपको सुलझानी है पहली पहेली अब आपके स्क्रीन पर एक है ऐसा कारीगर देखा इसका खूब हुनर पुतले वो दिन रात बनाए एक से एक ना मिलने पाए सोचो जी बहुत खूब अल्लाह ताला बच्चों अब हम दूसरी पहली देखते हैं फूलों में दो फूल निराले पाते हैं वो किस्मत वाले कोई एक या दोनों पाए खाली हाथ कोई रह जाए जी शाबाश बहुत अच्छे बेटा बेटी आइए अब हम बढ़ते हैं तीसरी पहली की तरफ सुर्खे बादशाह रफ़ी किशोर आशा लता है कौन जो गाए बजाए और सितार बनाए बताओ अगर मालूम हो नाम पता जी जी शाबाश बहुत खूब अमीर खुसरो बच्चों आज हम जो सबक पढ़ने जा रहे हैं वो है सबक नंबर सत्रह पहली इकाई इस सबक को हमने हम तीन इकाइयों में पढ़ेंगे इंशाल्लाह इस सबक को हम तीन इकाइयों में पढ़ेंगे आज इसकी पहली इकाई जो मुजवज़ा है निसाबी कमेटी से अब हम पहली इकाई को पढ़ने के अहम नक़ात देखेंगे अमीर खुसरो का तारुफ, इब्तदाई ज़िंदगी के हालात मशक़ी सवालत एक जुमले के जवाब तीन या चार जुमलों में जवाब मारूजी सवालत घर पर काम आइए बच्चों अब हम इस सबक को पढ़ाने के मखासेद देखेंगे इस को पढ़ाने के मकासद ये हैं तलबा में इल्म को फ़रो देना में हुब्बुल वतनी और खुशखती को परवान चढ़ाना अब हम मवाद की तरफ बढ़ने से पहले इस मवाद में मौजूद नए अल्फाज के माने जानेंगे अब आपकी स्क्रीन पे ये अल्फाज आ रहे हैं तोती सलातीन, फतुहात, फलाही खाखानी, तीनत, खुश ख़ुशन फ़िलवदी पजीराई लुत्फ अंदोज, आज़ ख़ान बच्चों तोती के माने हैं खुश आवाज़ छोटा परिंदा सलातीन सल्तनत की जमा फतुहात फ़तह की जमा फलाही बेहतरी भलाई खाखानी ईरान का मशहूर खसीदा व शायर तीनत फितरत जिबिलत ख़ुश इलहान, अच्छी आवाज़ वाला फ़िलबदी बेसोचे फौरन, खबूलियत, पज़ीराबुलत लुत्फ अंदोस, मज़ा लेना लज्जत हासिल करना आज इज़्ज़त खानखा, दरवेशों की रहने की जगह बच्चों आप सभी इन अल्फाज के माने जान चुके हैं आइए अब हम सबक की बुलंद खानी की तरफ चलते हैं किसी भी मुल्क की तारीख सलातिन की फतहत और इनकी फलाही कामों के अलावा मजहबी रहनुमाओं और फनकारों के कारनामों के जिक्र से मुकम्मल होती है इन नेक और रोशन ख्याल हस्तियों के कंधों पर हुक्मरानों और भटके हुए अवाम को दीन व दुनिया की हकीकत से आगाह करने की जिम्मेदारी होती है हसरत अमीर खुसरो का शुमार ऐसी ही नायाब हस्तियों में होता है वो हम जहद शख्सियत के मालिक थे वो बाकमाल शायर आला पाए के मौसीार जान निसार मुरीद सच्चे वतन परस्त और नेक तीनत इंसान थे इनका नाम अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो वो अमीर सैफुद्दीन की दूसरी औलाद थे आगे चलकर अमीर खुसरो के नाम से मशहूर हुए वो बारह सौ चौपन ईस्वी ब मुताब छः सौ इक्यावन हिजरी ब मकाम मोमिनपुरा ज़िला एटा यूपी यानि उत्तर प्रदेश में पैदा हुए इनके वाले तुर्क थे और इनका ताल्लुक हज़ारा कबीले से था वह दरबार शाही से थे कहते हैं कि खसरो जब पैदा हुए तो उनके वालिद उन्हें कपड़े में लपेट कर एक मर्द दरवेश की खानखा में ले गए उन्होंने नन्हे बच्चे को देखते ही फरमाया तुम मेरे पास ऐसे को लाए हो जो खाखानी से दो कदम आगे होगा इस मर्द दरवेश ने नन्हे बच्चे की पेशानी पर लिखी इबारत पढ़ ली थी होनिहार पिरवा के चिकने चिकने पात ख़ुसरो बचपन ही से बला के ज़हीन थे उनके वालिद ने उनके लिए तालीम व तरबियत का माहौल इंतज़ाम किया था उन्होंने कम उम्री में खत्ाती का फ़न सीखा फिर शेर व शायरी की तरफ़ राग़ब हुए वो ख़ुश इहान थे ख़ाती का फ़न सीखा फिर शेर व शायरी की तरफ़ राग़ब हुए ख़तती का फ़न सीखा फिर शेर व शारी की जानब राब हुए वो खुश इलहान थे एक दफ़ा उनके उसद ख्वाजा सवादुद्दीन अपने शागिर्द के हमरा मशहूर आलिम ख्वाजा आजुद्दीन की महफिल में पहुँचे खसरों का तारफ़ कराया और कहा कि ये बच्चा शेर बड़े अच्छे तरन से पढ़ता है ये सुनकर ख्वाजा साहब ने एक किताब खुसरों के हवाले की और चंद अशार पढ़ने की फरमाइश की खुसरो ने तरनम से आशार सुनाए जिस पर वो बेहद खुश हुए उस्ताद के इसरार पर उनकी शेरी सलाहियत का इम्तहान लिया गया अमीर खुसरो ने फिलबती शेर कहकर ख्वाजा साहब को हैरत में डाल दिया ख्वाजा आजुद्दीन ना सिर्फ खुश हुए बल्कि उनकी हिम्मत अफजाई की और सुल्तानी तखल्लुस इख्तियार करने का मशवरा दिया इब्तदाई दौर की गजलों में खुसरो ने यही तखल्लुस इस्तेमाल किया आखिर वो दिन भी आया जब खुसरो का नाम शायर की हैसियत से चारों तरफ गूंजने लगा गूंजने लगा यूं इस मर्द दरवेश की पेशन गोई सच साबित हुई हजरत अमीर खुसरो की शेरी सलाहियतें परवान चढ़ रही थी कि इन पर पहाड़ टूट पड़ा इनके वालिद मंगोलों से लड़ते हुए शहीद हुए वालिद की बेवक्त मौत ने इन्हें गम अदा कर दिया लेकिन नाना इमादुल मुल्क ने इनके शौख की पजीराई की नाना के इंतकाल के बाद फिर वो नाउमीदी का शिकार हो गए आखिरकार उनकी जहानत और सलाहियत ने उन्हें दरबार उन्हें दरबार तक पहुंचाया खसूस अलाद्दीन खिलजी के दौर में इन्हें अपनी शायराना सलाहियतों के इजहार का भरपूर मौका नसीब हुआ उनके कलाम की मकबूलीत का ये आलम था कि दरबारी मौसीख़ार और रखसाएँ इनकी गज़लें गाया करती थीं हर शख्स इनके कलाम से लुत्फानंदोज होता था बच्चों अभी हमने बुलंद खानी समात की अब आइए अब हम सबक की तफहीम की तरफ चलते हैं बच्चों अभी हमने बुलंद खानी सुनी अब आइए हम तफहीम की तरफ चलते हैं अमीर खुसरो का अमीर खुसरो का तारुफ। असली नाम अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो खसरोलमी नाम अमीर खुसरो पैदाइश पैदाइश बारह सौ चौपन ईस्वी पैदाइश बारह सौ चौपन ईस्वी मुताब छः सौ इक्यावन हिजरी मुकाम मोमिनपुरा जिला एटा उत्तर प्रदेश वालिद का नाम अमीर सैफुद्दीन दरबार थे वालिद का नाम अमीर सैफुद्दीन दरबार शाहिद से और हज़ारा काबिले से ताल्लुक रखते थे खुसरो की वफात अक्टूबर तेरह सौ सत्ताईस ईस्वी में हुई इनके इब्तदाई ज़िंदगी के हालात ये हैं इनके वाले तुर्क थे और वो दरबार शाही से वाबस्ता थे दरबार शाही से वाबस्ता रहना यहाँ यानी कि वहाँ के सिपा सालार या सिपाही होने को कहेंगे कहते हैं कि खुसरो जब पैदा हुए तो उनके वालिद उन्हें कपड़े में लपेट कर एक मर्द दरवेश की खानखा ले गए मर्द दरवेश यानी एक नेक सिफत इंसान एक नेक सिफत वली कह देंगे ख़ान दरवेशों की रहने की जगह वहां पर ले गए उन्होंने बच्चे को देखते ही फरमाया तुम मेरे पास ऐसे को लाए हो जो खाखानी से दो कदम आगे होगा यानी खाखानी एक मशहूर शायर था। इस मर्द दरवेश ने नन्हे बच्चे की पेशानी पर लिखी इबारत पढ़ ली थी हो निहार बिरवा के चिकने चिकने पात इस कहावत का मफहूम है कि निहार बच्चे के अच्छे आसार नजर आते हैं हसरो बचपन ही से बला के जहीन थे वालिद ने इनके लिए तालीम व तरबियत का माख़ूल इंतजाम किया था यानि के उन्हें पढ़ने लिखने की तमाम सहूलियात मैसर थी उन्होंने कम उम्र में फ़न खत्ती सीखा फ़न खाती उसको कहते हैं जो एक फ़न है खत्ती एक फ़न तहरीर है ये फ़न दुनिया के हर गोशे में और हर ज़ुबान में पाया जाता है ये फ़न खाती ख़ुश ख़ती काफ़ी मकबूल है अब बच्चों आपके सामने आपकी स्क्रीन पर यह फ़न खाती के कुछ नमूने पेश कर रही हूँ और से देखें फिर वो शेर शायरी की जानब राग़ब हुए वो खुशल्हान थे ख़ुश ललहान यानि अच्छी आवाज़ वाला वो बहुत अच्छी आवाज़ से शेर पढ़ा करते थे और गीत गाया करते थे एक दफ़ा उनके उस्ताद ख्वाजा सादुद्दीन अपने शागिर्द के हमरा मशहूर आलिम ख्वाजा आज़ुद्दीन की महफिल में पहुँचे खुसरो का तारफ़ कराया और कहा ये बच्चा अशार बड़े तरन्नम से पढ़ता है ये सुनकर ख्वाजा साहब ने एक किताब खुसरो के हवाले की और चंद अशार पढ़ने की फरमाइश की वो किताब लेकर जब खुसरो ने अशार सुनाए जिस पर वो बेहद खुश हुए उस्ताद के इसरार पर उनकी शेरी सलाहियतों का इम्तिहान लिया गया अमीर खुसरो ने फिलबदी अशार कहकर ख्वाजा साहब को हैरत में डाल दिया फिलबदी अशार यानी के बेसोचे समझे फौरन अशार के बाद एक अशार के बाद दूसरा अशार फौरन कहना इसको फिलबदी कहेंगे ख्वाजा आज़ुद्दीन ना सिर्फ खुश हुए बल्कि उनकी हिम्मत अफजाई की और सुल्तानी तखल करने का मशवरा दिया तखल्लुस तखल्लुस शायर का वो फर्जी नाम और वो मुख्तर नाम जिसे वो अपने अशार में असल नाम के बजाय इस्तेमाल करता है उसको तखल्लुस कहेंगे इब्तदाई दौर के गज़लों में खुसरों ने यही तखलस इस्तेमाल किया आखिर वो दिन भी आया जब खुसरों का नाम शायर की हैसियत से चारों तरफ गूंजने लगा यूँ इस मर्द दरवेश की पेशन गोई साबित हुई यानि बचपन में ही मर्द दरवेज ने कहा था कि ये बच्चा खाखानी से जो मरसिया शायर थे ईरान के उन भी दो क़दम आगे होगा ये बात जब ये बड़े हुए और इनकी शेरी सलाहियतें जब परवान चढ़ी तो ये बात साबित हो गई हसरत अमीर खुसरो की शेरी सलाहियत परवान चढ़ रही थी कि इन पर पहाड़ टूट पड़ा इनके वाले इन पहाड़ टूटने का मतलब ये है कि उन पर मुसीबतें आने शुरू हो गई इनके वालद मंगोलों से लड़ते हुए शहीद हुए वालद की बेवक्त मौत ने उन्हें गमजदा कर दिया लेकिन नाना इमादुल मुल्क ने इनके शौक़ की पज़ीराई की यान नाना ने इस बच्चे की जब नाना ने देखा कि जब बच्चा शेर व शायरी में बड़ा शौक़ रखता है तो उन्होंने इस बात को इस बात पर अमीर खुसरो की हौसला अफजाई की और उन्हें मौा मैसर किए और नाना के इंतकाल के बाद फिर वो नाउमीदी का शिकार हो गए थे अभी बच्चा एक अभी बच्चा एक सदमे से बाहर निकल ना पाया था और संभल भी ना पाया था कि उनके नाना का भी इंतकाल हो गया आखिरकार उनकी जहानत और सलाहियत ने उन्हें दरबार तक पहुंचाया खूस अलादीन खिलजी के दौर में उन्हें शायराना सलाहियतों के इजहार का भरपूर मौका मिला उनके कलाम की मकबूलीत का ये आलम था कि दरबारी मौसीख़ार यानि दरबार में जो भी बजाने वाले होते हैं मौसीख़ार जिनको हम म्यूज़िक कहेंगे म्यूज़िक बजाने वाले और रखा यानी कि डांसर नाचने वाले जो भी थे उनकी ग़ज़लें गाया करती थीं हर शख़्स इनके कलाम से लुफ़ानंदोज़ होता था और हर कोई खाली दरबारी ही नहीं बल्कि आम लोग भी इनके कलाम से बहुत मज़ा लेते थे अब बच्चों हम बढ़ते हैं एक जुमले के सवालात की तरफ अब आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या था जी शाबाश बहुत अच्छे अमीर खुसरो का नाम अबुल हसन या मीनुद्दीन था बहुत हो दूसरा सवाल अब आपके सामने पेश है उनके वालिद का नाम क्या था दूसरा सवाल आपके सामने पेश है उनके वालिद का नाम क्या था जी बिल्कुल बहुत सही इनके वालिद का नाम अमीर सैफुद्दीन था शाबाश इनके वालिद का नाम अमीर सैफुद्दीन था सवाल नंबर तीन अभी आपकी स्क्रीन पे है इनका ताल्लुक किस कबीले से था जी बहुत अच्छे शाबाश इनका ताल्लुक हज़ारा कबीले से था अब बच्चों पांचवा सवाल अब बच्चों चौथा सवाल आपके स्क्रीन पे खुसरो ने कम उम्र में कौन सा फन सीखा जी शाबाश बहुत अच्छे सही अमीर खुसरो ने कम उम्र में फन खत सीखा सही जो। अब आपके सामने पांचवा सवाल है मर्द दरवेश ने मर्द दरवेश ने खुसरों को देखकर क्या कहा जी शाबाश मर्द दरवेश ने खुसरो को देखते ही कहा तुम मेरे पास ऐसे को लाए हो जो खाखानी से दो कदम आगे होगा बहुत खूब हो। सही जवाब दिया आपने बच्चों अब छठा सवाल आपके सामने पेश है खुसरो के उस्ताद का नाम बताएं जी बहुत खूब सही जवाब वेरी गुड अमीर खुसरो के उस्ताद का नाम ख्वाजा सादुद्दीन था बहुत अच्छे सवाल नंबर सात ख्वाजा आजुद्दीन कौन थे जी हाँ हाँ बिल्कुल सही ख्वाजा आजुद्दीन मशहूर आलिम थे अब हम देखते हैं कि कहावत क्या है या कहावत किसे कहते हैं किसी ज़ुबान का ऐसा जुमला खौल या फरा कहावत कहलाता है जिससे इंसानी ज़िंदगी के तजर्बों का इजहार होता है ये जुमला अपने हकीकी माने के बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल होता है अब यहाँ पर हमारे पास एक कहावत हमारी दरसी किताब में अब यहाँ पर हमारी दरसी किताब में ली हुई कहावत है होनहार बिरवा के चिकने चिकने पात बिरवा माने पौधा मगर इस कहावत में बिरवा के माने हैं बच्चा होनिहार बच्चे के अच्छे आसार पहले ही नजर आते हैं अब बच्चों बढ़ते हैं हम माने के लिहाज से मुनासिब कहावत पर निशान लगाएं। अब आपके सामने चंद कहावतें हैं इन कहावतों में से इन कहावत आप, आपके पास चंद कहावतें हैं नाजिर बचपन ही से इंतहाई शरीर था अब वो एक बिगड़ा हुआ जवान बन गया है इसके उस्ताद को पहले से ही इस बात का अंदाज़ा था अब आपके सामने चंद कहावतें हैं आपको मुनासिब कहावत का इंतखब करना है जी पहली कहावत है सांप के पांव पेट में होते हैं दूसरी कहावत है के पांव पालने में नजर आ जाते हैं जी बच्चों जी बिल्कुल सही बहुत अच्छे पोत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं शाबाश बच्चों अब हम बढ़ते हैं दो तीन जुमलों के सवालत की तरफ आइए अब आपकी स्क्रीन पे पहला सवाल अमीर खुसरो कब और कहाँ पैदा हुए जी बिल्कुल दुरुस्त अमीर खुसरो बारह सौ चौपन ईस्वी में अमीर खुसरो बारह सौ चौपन ईस्वी मुताबिक छह सौ इक्यावन हिजरी ब मखाम मोमिनपुरा जिला एटा उत्तर प्रदेश में पैदा हुए बहुत खूब अब आपके सामने दूसरा सवाल है खुसरो को इब्तदाई जिंदगी में मुसीबतों का सामना क्यों करना पड़ा जी जी हाँ सही खुसरो की शेरी सलाहियतें परवान चढ़ रही थीं कि उन पर पहाड़ टूट पड़े उनके वालिद मंगोलों से लड़ते हुए शहीद हो गए वालिद की बेवक्त मौत ने उन्हें गमजदा कर दिया और अभी संभल भी ना पाए थे कि नाना भी इंतकाल कर गए अब आपके सामने तीसरा सवाल है खुसरो की खुसरो की शेरी अब आपके सामने तीसरा सवाल है खुसरो की शेरी सलाहियतों का किस तरह इम्तिहान लिया गया जी बिल्कुल सही उस्ताद के सिरार पर उनकी शेरी सलाहियत का इम्तिहान लिया गया मशहूर आलिम ख्वाजा आज़ुद्दीन ने उन्हें फ़िलबदी शेर कहने के लिए कहा अमीर खुसरो ने जब आशार सुनाए तो ख्वाजा साहब हैरान रह गए और खुसरो की सलाहियतों की दाद दी बहुत अच्छे अब हम देखते हैं मंदरजैल कहावतों को इस्तेमाल अब हम जानेंगे कि मंदिर जैल कहावतें किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती हैं और आपको इसकी निशानदेही करनी होगी ठीक है बच्चों पहली कहावत है घर की घर की मुर्गी दाल बराबर खदरदानी के लिए या बेखदरी के लिए दूसरी कहावत है दूध का दूध पानी का पानी इंसाफ होना या ना इंसाफी होना तीसरी कहावत है 900 सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली बतौर तंस या तारीफी अल्फाज हैं अब आप अब आप बच्चों अब आप बच्चों मखासीद के लिहाज से अब आप बच्चों बताएं कि मखासीद के लिहाज से कौन सी कहावत यहां पर सही मानी जाएगी घर की मुर्गी दाल बराबर यानी बिल्कुल सही बेखदरी के लिए शाबाश बहुत अच्छे अब यहाँ पर है दूध का दूध पानी का पानी इसके लिए इंसाफ होना ना इंसाफ ये होना सही इंसाफ होना बहुत अच्छे ये जो आखिरी है वो है नौ सौ छूहे खाकर बिल्ली हज को चली ये तंज है या तारीफ़ी कलमात हैं जी बतौर तंज बिल्कुल सही माशाल्लाह आप तमाम ने बिल्कुल सही जवाब दिए अब हम अगले मरहले की तरफ चलते हैं हमारा अगला जो काम है वो है घर का काम या घर पर काम पहला है नुक्ता अमीर खुसरो के बचपन के हालात ख़लम बंद करें ख़ताती के मुख्तलिफ नमूने जमा करें और उन्हें लिखने की मशक़ करें तीसरा नुक्ता है मज़ीद कहावतें ख़लम बंद करके अपने उस्ताद को दिखाएं इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त उम्मीद के आप सभी इस सबक से मुस्तद हुए होंगे उम्मीद के आप सभी इस सबक से मुस्त होंगे उम्मीद के आप तमाम इस सबक से मुस्तद हुए होंगे इसी उम्मीद के साथ मैं आज से मैं आपसे विदा लेती हूँ अल्लाह हाफि